हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ ब्राउनी की फ़र्स्ट ब्राउनी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, तो जिसमें आपको ना ओवन की नीड पड़ेगी ना ही आपको बटर की नीड पड़ेगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो ब्राउनी बनाने के लिए या कोई केक बनाने के लिए सबसे पहले जो है हम मॉल्ट की प्रिपरेशन करते हैं। तो मॉल्ट प्रिपेयर करते हैं पहले, ताकि हमारा बैटर जो है उसको स्टे ना मिले। तो आपने मॉल्ट की अच्छे से ग्रीसिंग करनी है। ये जो मैंने मॉल्ट लिए हैं आप किसी भी मार्केट से ले सकते हैं, हमने ब्राउनी बनानी थी इस वजह से मैंने स्क्वायर शेप का मॉल्ट लिया है। आफ्टर ग्रीसिंग अब हमने बटर पेपर को सेट करना है, ठीक है। बटर पेपर को आपने अपने जो मोल्ड है उसके हिसाब से सेट कर लेना पहले, मतलब कट कर लेना है। मैंने भी जिस तरह कट किए आप उस तरह कर लें। और उसके बाद आप ये भी कर सकते हैं, बटर पेपर को पहले पूरा सेट करके उसके बाद भी कट कर सकते हैं, उससे पहले भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और ये प्रोसेस पहले करने का ये फ़ायदा होता है कि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ना आपका बैटर ज़्यादा देर रहता है, मतलब ना उसको टाइम मिलता है, स्टे भी नहीं मिलता और क्विक हमारा जो काम हो जाता है। तो ये स्टेप आप पहले लाजमी करके रखना। बटर पेपर मैंने यहाँ पे अच्छे से सेट कर लिए है। अब जो हम बटर पेपर सेट कर लेंगे उसके बाद भी हमने इसके ऊपर ऑयल ग्रीस करने हैं। अब हमारा मोल्ड रेडी है, अब हम आते हैं बैटर बनाने के लिए। अच्छा, बैटर बनाने के लिए यहाँ पे आप पहले ये देख लें कि आपने सारी जो है पाउडर फॉर्म्स को अलग से मिक्स करना है और पहले जो है हम लिक्विड फॉर्म्स को यूज़ करेंगे। तो लिक्विड फॉर्म्स में यहाँ पे मैंने हाफ़ कप जो है ऑयल लिया है, आप बटर भी ले सकते हैं लेकिन हम जो है विदाउट बटर बना रहे हैं इस वजह से यहाँ पे मैंने हाफ कप ऑयल लिया है। अच्छा, ये जो मेजरिंग कप्स है ना आप ये भी ले सकते हैं, अगर आपके पास मेजरिंग कप्स नहीं है तो आप वैसे नॉर्मल कप भी ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने हाफ कप ही शुगर लिए, शुगर को जो है वो मैंने पाउडर फॉर्म में कर लिया था। आप आराम से ग्राइंडर मशीन में इसको पीस के पाउडर फॉर्म में कर सकते हैं और आपने पाउडर फॉर्म ही डालना है। इस तरह जो है आपकी मिक्सिंग बहुत अच्छे से होगी। तो चलें इसको पहले सही से मिक्स करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि हमारा बैटर बहुत अच्छे से जो है मिक्स हो गया है। अब हमने इसके अंदर दो अंडे डालने हैं। अंडे हैं आपने रूम टेम्परेचर पे रखने हैं, फ्रिज में नहीं रखने हैं। ये बात मैंने आपको केक वाली रेसिपी में भी बताई थी, अगर आपने नहीं देखी तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, मैंने ऊपर लिंक जो है मेंशन कर दी है। अच्छा, आपने अब इसको इतना मिक्स करना है कि ये डबल फॉर्म हो जाए, मतलब ज़्यादा मिक्स नहीं करना, ओवर मिक्स नहीं करना, क्योंकि ओवर मिक्सिंग से आप लोग इतना ओवर मिक्स कर लेते हैं वो ट्रिपल पे आ जाते हैं। आपने सिर्फ डबल पे रखना है, ठीक है। देखें जैसे मैं कर रही हूँ। अब देखें हमारा जो है लिक्विड फॉर्म सारी हो गई हैं। अब हम आते हैं पाउडर फॉर्म्स में। पाउडर फॉर्म्स में हमारा मैदा और कोको पाउडर आता है। तो यहाँ पे मैंने हाफ कप ही मैदा लिए, अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप नॉर्मल कप से भी मेजर कर सकते हैं। और मैंने 1/3 कप कोको पाउडर लिया है। अब कोको पाउडर और मैदे को हमने अच्छे से छानना है, मतलब कोई लम्स ना रहे, और इसको सही से पाउडर को छान लेना है।
अब हमने इसको अच्छे से छान लिया था। अब इसके अंदर मैं डालूंगी 3 to 4 pinch सॉल्ट के। सॉल्ट सिर्फ हम इसलिए डालें, इससे जो है टेस्ट आपका बहुत अच्छा आता है। अच्छा, अब इसके बाद आपने इसको मिक्स करना है। मिक्स आपने इसको ज़्यादा नहीं करना, मतलब ओवर मिक्स नहीं करना, इसको इतना मिक्स करना कि जो आपका पाउडर है वो बस अंडे और इसके अंदर जो है ना हमारा मिक्सचर जो बनाया है लिक्विड मिक्सचर उसके साथ बस मिक्स हो जाए। आपने ओवर मिक्स बिल्कुल नहीं करना। अब जो है हम इसके अंदर 1/2 cup मिल्क चॉकलेट डालेंगे। आप मिल्क चॉकलेट कोई भी ले सकते हैं, डेयरी मिल्क मत लीजिएगा क्योंकि डेयरी मिल्क से वो ज़्यादा मीठा हो जाता है। तो आप कोई भी मिल्क चॉकलेट ले लें यहाँ पे और उसको मेल्ट करके इसके अंदर डाल दें 1/2 cup। मैंने सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया था और अब हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। आपने बैटर को स्टे नहीं देना, विदाउट स्टे आपने इसको मोल्ड के अंदर डाल देना है। जब आप मोल्ड में अपना बैटर डाल लेंगे उसके बाद आपने 12 टू 15 टाइम्स अपने जो मोल्ड है उसको टैप करना है, मतलब उसके अंदर से जो एयर बबल्स है आपने वो निकालने हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे मैंने तकरीबन 11 से 12 बार टैप किए और इसके सारे एयर बबल्स निकाल दिए। अब आप देख लें, आप लोग की च्वाइस है, आप इसी तरह पराठे बना लें, सिंपल सी बना लें, या फिर आप इसके ऊपर चॉको चिप्स डाल दें, या आपने जो चॉकलेट लिया आप उसके पीसेस डाल दें, जो आपका दिल चाहे आप वो डाल दें। यहाँ पर मैं चॉको चिप्स डाल रही हूँ। अब देखें मैं ओवन में नहीं बना रही, मैं सिंपल देगची में बना रही हूँ। आप कोई भी देगची ले सकते हैं और कोई भी स्टैंड ले सकते हैं, जो ये जो स्टैंड है आपको कहीं से भी मिल जाएगा आराम से। आपने जो है ना पहले से इसको 20 मिनट्स हीट के लिए रख देना है, मीडियम फ्लेम में इसको गर्म होने देना है, देन इसके अंदर अपना मोल्ड रखना है। अब आपने तकरीबन 30 to 40 minutes इसको बेक होने देना है और दरमियान में आपने चेक कर लेना है स्टिक लगा के कि ये बेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और जलने नहीं देना। मेरा तकरीबन 30 to 35 minutes बेक हो गया था। बेक होने के बाद मैंने इसको बाहर निकाल के ठंडा होने के लिए रखा था, और ठंडा भी मैंने इसको 2 to 3 hours मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था। अगर आप डायरेक्ट निकालते हैं या आप फ्रिज में रखते हैं तो आपकी ब्राउनीज जो है ना वो सख्त हो जाती हैं, इस वजह से आप 3 to 3 hours तो एटलीस्ट इसको ठंडा होने के लिए रख दें। उसके बाद आप इसको निकाल लें अपने मोल्ड से और जो बटर पेपर है उसको रिमूव कर दें और पीसेस में कट करके सर्व कर दें। और आप लोग चाहें तो इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं, लेकिन आप इसको फ्रिज में नहीं रखना, आप सिंपल एयर टाइट किसी बॉक्स में उसके रख के सेव कर दें, आपका जब दिल चाहे आप तब खाएं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी है। आप मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।